वीके न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, दिल बोलेगा देश सुनेगा। शर्मनिया भी ये कहते हुए लोगों का सम्मान करना जानते नहीं, और दिल्ली से लेकर भोपाल तक ये याद है कांग्रेस का, तो राहुल बाबा उड़ाने में लगे हुए, अच्छी चलती खाती पंजाब की सरकार का कबाड़ा कर दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज मध्य प्रदेश और मैं हूं आपके साथ शुभम यादव। एमपी में शिवराज सरकार फायर फायर करे जा रही है, तो वहीं शिवराज ने जब से चौथी बार सत्ता संभाली है तो एक अलग ही तेवर दिखा रहे हैं। मध्य प्रदेश में उपचुनावों को लेकर घमासान जारी है, लेकिन कांग्रेस चुनाव को अलग लेवल पर ले जाने की कोशिश में लगी हुई है। इसी बीच शिवराज सिंह ने कांग्रेस की दुर्दशा पर राहुल गांधी और कमलनाथ को जमकर लताड़ लगा दी है। शिवराज ने कहा, राहुल बाबा ने कांग्रेस का कबाड़ा कर दिया, जिसका उदाहरण देते हुए उन्होंने पंजाब का नाम भी लिया। वहीं पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ में चल रही कांग्रेस की कलह पर खूब खिंचाई की, साथ ही कमलनाथ के रेस लगाने वाले बयान पर शिवराज ने पलटवार किया। शिवराज को कमलनाथ ने चुनौती देते हुए कहा था, मेरे स्वास्थ्य के बारे में बहुत बात। शिवराज सिंह जी कहते हैं कमलनाथ बीमार हैं, कमलनाथ बूढ़े हैं, तो शिवराज जी कैसी रेस लड़नी है आपको मेरे से? हाँ, मैं गया था, मैं विदेश गया था। उसके बाद शिवराज का पलटवार कमलनाथ के लिए, कमलनाथ जी अपना घर देखते नहीं हो भाई, अब आप बिकाऊ की बात करते हो, मैंने तो कभी बीमार नहीं कहा भैया। अब वो ही कह रहे हैं कि शिवराज जी बीमार है, मेरे साथ रेस कर लो। अरे मैं रेस करने का बात कभी नहीं करूंगा भाई, मैं दुश्मन थोड़ी हूँ। फिलहाल ये किसी से छिपा नहीं है कि एमपी में महज 4 सीटों के लिए उपचुनाव होने हैं, फिर भी प्रदेश स्तर से लेकर दिल्ली तक कांग्रेसियों में भागा दौड़ी मची हुई है। फिलहाल के लिए बस इतना ही, देखते रहें वीके न्यूज मध्य प्रदेश। शुक्रिया। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल, वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।